अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो किस में है, यू से भी में है, यहाँ पर यू और भी क्या है, दो वेक्टर स्पेसेस हैं, किस पर, यफ पर, ठीक है, यानी फील्ड यफ पर दो वेक्टर स्पेसेस हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पहली प्रॉपर्टी है टी जीरो इक्वल टू जीरो डैश। यहाँ पे जीरो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है और जीरो डैश भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, पर जीरो जो है यू से बिलोंग कर रहा है और जीरो डैश जो है भी का एलिमेंट है, यानी भी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अगर कोई एलिमेंट एक्स है जो किस में बिलोंग कर रहा है, यू में बिलोंग कर रहा है, तो इसका अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लें तो किस में बिलोंग करेगा, वी में बिलोंग करेगा। तो इस एक्स का हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो ये किस में बिलोंग करेगा, वी में बिलोंग करेगा। तो अगर इस टी एक्स में क्या मैं करता हूँ, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट जो है जीरो डैश एड करता हूँ टी एक्स में, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो डैश एड करता हूँ तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, टी एक्स ही मिल जाएगा। देखो एक क्यों टी एक्स ही मिलेगा, किसी भी एलिमेंट में अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करोगे तो वापस से वही एलिमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ देखो इस टी एक्स में, यानी ये जो टी एक्स है, इस एक्स में मैं जीरो ऐड कर सकता हूँ क्या, क्योंकि जीरो ऐड करूँगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैं इस एक्स में जीरो ऐड कर रहा हूँ, तो टी एक्स प्लस जीरो डैश इक्वल टू टी एक्स प्लस जीरो। क्यों हमने जीरो ऐड किया, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पहली कंडीशन में बताया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इसको आप कैसे लिखते थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई। तो इस पे जो है यही कंडीशन अप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस जीरो डैश इक्वल टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो। यहाँ पे देखो u और v क्या है, वेक्टर स्पेसेस हैं, किस पिक सॉरी u और v जो हैं वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है, और प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बना रहे हैं, अबेलियन ग्रुप बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट कैंसिलेशन ला होल्ड करेगा। तो यहाँ से देखो जब लेफ्ट कैंसिलेशन ला होल्ड करेगा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। तो क्या बच जाएगा आपके पास, जीरो डैश इक्वल टू टी जीरो। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, टी जीरो इक्वल टू जीरो डैश। तो यही पहली प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी थी, देखो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, तो इसको आप नोट करो, मैं इधर सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी हम पहली प्रॉपर्टी के ही हेल्प से करेंगे। देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टी एक्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, यू में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका प्रूफ किसकी मदद से करेंगे, ये पहली प्रॉपर्टी की मदद से करेंगे। तो आप जानते हो टी जीरो इक्वल टू जीरो डैश, यहाँ पे लिखना प्रूफ, आप प्रूफ टी जीरो इक्वल टू जीरो डैश। तो इस जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टी एक्स प्लस माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इक्वल टू जीरो डैश। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो फर्स्ट कंडीशन थी इस पे आप अप्लाई करो क्या थी, अभी मैंने लिखा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई, यही था। तो मैं उसको लिखता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो जाए। तो यहाँ पे देखो टी एक्स प्लस टी माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। अगर हम किसी दो एलिमेंट को ऐड करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो यानी वो एलिमेंट जो हैं एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। ये बात आप भूल जाओ जो अभी मैंने बताया, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं।
ये तो होते ही हैं एक दूसरे के इनवर्स, पर आप एक तरीके से और इसको कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो, दोनों तरफ माइनस टी एक्स एड कर दो, प्लस टी एक्स प्लस टी माइनस एक्स, ये तो चला ही आ रहा था, दोनों टर्म ही है, मैंने माइनस टी एक्स एड किया है, तो इधर भी आप एड करोगे माइनस टी एक्स प्लस जीरो डैश। ठीक है, अगर आप चाहते तो मैंने अभी बताया, अगर दो एलिमेंट को आप ऐड करते हो तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो डैश मिल जाता है तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहीं से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट आप अगर चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, टी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टी एक्स, ऐसे भी कर सकते हो, पर आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस टी एक्स को ऐड करके भी कर सकते हो। तो मैं दोनों तरफ माइनस टी एक्स ऐड करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखो माइनस टी एक्स प्लस टी एक्स, यहाँ तो जीरो मिल जाएगा, केवल क्या बचेगा, टी माइनस एक्स बच जाएगा। यहाँ पे ऐड करोगे ये जीरो डैश को आइडेंटिटी एलिमेंट को, तो वापस से यही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा, टी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टी एक्स। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था। अब मैं इधर इरेज करता हूँ और आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताता हूँ, तो आप इसको नोट करो। थर्ड प्रॉपर्टी है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स माइनस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू यू, यानी x और y जो है किसके एलिमेंट है, u के एलिमेंट है। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, t x माइनस वाई, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या ध्यान देना, t x प्लस माइनस वाई। अब देखो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। तो देखो अगर आप वहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस वाई। और यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स माइनस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई। क्यों लिख सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स किस में बिलोंग कर रहा था, यू में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे वाई भी यू में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप इस प्रॉपर्टीज की मदद से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस वाई को माइनस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी आपकी भी प्रूफ हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये रही आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज।